चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करो, सॉल्व करो। कहता है कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर सबमर्ज्ड इन वाटर एंड वाटर राइज टू हाइट एस। ध्यान देना कि जो जब कभी भी अगर एक कंटेनर है, इसमें मैं एक ट्यूब सबमर्ज करता हूँ, ठीक है, एक ट्यूब, ये फ्लूइड है, ठीक है, तो ये अगर मैं इसमें एक ट्यूब सबमर्ज करता हूँ तो इसमें लिक्विड या तो राइज होगी या तो फॉल होगी या तो कुछ नहीं होगा। तीन केस होता है, पढ़ के आए हम लोग, ठीक है। अगर इसमें लिक्विड या तो राइज होगी या हाइट तक, ये लेवल है ना, एक्चुअल लेवल ही है, या तो लिक्विड इसके ऊपर ट्यूब में राइज हो जाएगी या फॉल कर जाएगी, या तो कुछ नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड, या एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो नेचर ऑफ लिक्विड, अभी बताया गया कि लिक्विड राइज कर गई है और ये ट्यूब में ऐसे लिक्विड भर गई है, ये हाइट तक लिक्विड राइज कर गई, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा, ठीक है। तो लिक्विड का सरफेस कुछ ऐसा आता है, ऐसा कुछ, ठीक है, पढ़ के आए हो। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे जो थीटा बन रहा होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वो लेस देन 90 होगा, ठीक है। ऐसे केस में लिक्विड राइज कर जाती है। कैपिलरी ट्यूब रेडियस आर सबमर्ज इन लिक्विड, कैपिलरी ट्यूब रेडियस आर सबमर्ज इन वाटर एंड वाटर राइज टू हाइट एच, द मास ऑफ द वाटर इन द ट्यूब इज 5 ग्राम। अब आपको ध्यान देना, जो ट्यूब में जो भी मास है उसका, वाटर का जो मास है वो 5 ग्राम है। अब कहता है एनदर ट्यूब जिसका रेडियस 2 आर है, अब मैं सबमर्ज करता हूँ तो उसमें कितना मास होगा, है ना। 2020 में ही आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ट्यूब में, अगर जो ट्यूब है उसको बाहर निकालूँ मैं, ये जो ट्यूब है इसको मैं बाहर निकाल लिया, ठीक है, जिसमें पूरी एच हाइट तक लिक्विड राइज हुई थी ये, ठीक है। अब कितनी जो लिक्विड राइज होगी उसका ये ट्यूब का रेडियस आर है, ठीक है। तो एच हाइट तक जो लिक्विड राइज हो रही है वो अगर मैं 2 आर कर दूंगा तो कितना होगा एच मास, इसमें कुछ मास होगा भाई। अब बैलेंस करो, अगर मैं इसको बैलेंस करूं, ये जो लिक्विड है बैलेंस करूं, तो इसके इसका वेट एम जी वर्टिकली नीचे लग रहा होगा, एम जी नीचे लग रहा होगा, तो ऊपर इस ये जो वेट एम जी, तो ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा सरफेस टेंशन, तो एम जी ने सरफेस टेंशन को बैलेंस किया होगा, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट ए हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट है, हमें फार्मूला याद है, H इज इक्वल टू 2 surface tension cos theta इज इक्वल टू रो जी आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, या 2T इज इक्वल टू रो जी कैपिटल आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, ठीक है। जो लिक्विड का मेनिस्कस है, जो सर्कुलर लिक्विड की जो है वो लिक्विड मेनिस्कस है, उसका रेडियस है, तो इसके टर्म में ऐसे लिखोगे, और ये ट्यूब की रेडियस है। अभी मैं एक काम करता हूँ कि जो मास है, मास, तो मास इज इक्वल टू मास रिक्वायर्ड, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी से कर लेता हूँ, ठीक है। तो मास वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाइट एच वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, हाइट एच पाई आर स्क्वायर डेंसिटी रो, ठीक है, और हाइट एच पाई आर स्क्वायर रो, और हाइट एच यहाँ से 2t cos थीटा और ओवर रो जी आर, है ना प्यारे बच्चों, इतना लिख सकता हूँ। तो एक आर ने एक आर को, क्योंकि हमें आर चाहिए, और रो ने रो को, ठीक है, और बाकी हमें पाई टी cos थीटा, ये सारा कॉन्स्टेंट है, मास देख रहे हो 2t टेम्परेचर, दोनों लिक्विड का नेचर सेम है, ट्यूब, ठीक है। तो मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया रेडियस के, ठीक है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ऑल द वेरिएबल आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मास है, पहले मास m2/m1 इज इक्वल टू r2/r1, आपने रेडियस कितना किया 2 times कर दिए, ठीक है, तो एक आर ने एक आर को खत्म किया। अब मास जो है 2m1, मतलब डबल होगा, मतलब 10 ग्राम होगा, पहले जो है, ठीक है, पहले जो मास था वो 5 ग्राम था, अब जो मास है वो 2 ग्राम तक 10 ग्राम तक राइज होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो